कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर जगह तारीफ हो रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां कहीं भी जा रहे हैं वहीं जन सैलाब उनके साथ उमड़ आ रहा है। वहीं अब भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी ने तेलंगाना में भाजपा और RSS की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो संस्थानों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से मुक्त करा देंगे और उनकी स्वतंत्रता बरकरार रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक होना और तानाशाही नहीं चलाना कांग्रेस का DNA है, लेकिन दूसरे दलों से कब पूछा जाएगा कि वह अपने यहाँ चुनाव क्यों नहीं कराते। तेलंगाना में बोलते हुए राहुल गांधी ने कैसे ऐलान करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये हमारे DNA में है कि हम तानाशाही नहीं चलाते। हाल ही में हमारी पार्टी के अध्यक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था। मैं सोच रहा हूं कि RSS, BJP, TRS और अन्य राजनीतिक दल कब चुनाव कराएंगे। कांग्रेस नेता ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि विभिन्न संस्थानों पर प्रणालीगत हमले हुए हैं, न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया पर हमले हो रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में लौटेगी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये संस्थान RSS की पकड़ से मुक्त हो और इन संस्थानों में स्वतंत्रता बनी रहे। भारत जोड़ो यात्रा एक विचारधारा है, एक सिंबल है और BJP की विचारधारा के खिलाफ स्पष्टता के साथ दूसरी विचारधारा रखने का तरीका है। हमारे सभी नेता एकजुट होकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, इस पर कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच सम्मान चर्चा हो रही थी, मैं खुद भी यात्रा करना चाहता था मगर फिर कोविड आ गया और यात्रा को टाल दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए BJP संघ के खिलाफ लड़ने का तरीका भी है और इस यात्रा से मुझे हिंदुस्तान के बारे में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लड़ रही है और गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। गुजरात में BJP के खिलाफ anti-incumbency है, कांग्रेस पार्टी गुजरात में चुनाव जीतने जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के 7 लोकसभा और 19 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए कल 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और जिसके बाद ये 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा का तेलंगाना चरण आरंभ करने से पहले राहुल ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पदयात्रा की थी। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहें MIM News Express के साथ।